हेलो एंड वेलकम टू NCERT जोन। आज हम NCERT मैथ क्लासेस के थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 को डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर हो डिफरेंस इज गिव थ्री पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज टू। तीन प्राइम नंबर का तीन पेयर बताना है जिसका डिफरेंस टू है। तो नंबर हमारा कौन सा हो सकता है, इसके इसे जानने के लिए हम वन से लेकर टेन तक के सारे प्राइम नंबर को लिखते हैं। पहले वन से लेकर के पहला प्राइम नंबर हमारा टू है, दूसरा थ्री, तीसरा फाइव, चौथा सेवन। हाँ चौथा सेवन, बस इतना ही प्राइम नंबर है। तो तीन ऐसे कंजुगेटिव प्राइम नंबर बताने हैं जिसके डिफरेंस टू है। तो ऐसे वो तीन के कौन से हैं, थ्री, फाइव और सेवन। और क्वेश्चन नंबर अब हमारा Which of the following numbers are prime? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कुछ नंबर दिया है, उन्हें बताना है आपको कि कौन सा इसमें प्राइम है। Which of the following numbers are prime? इनमें कुछ नंबर दिया गया है, उन्हें बताना है कौन सा नंबर प्राइम है। तो वो नंबर है हमारा ए है हमारा 44, बी है हमारा 36, सी है हमारा 24, डी है हमारा 18। ए है हमारा 23 है, बी हमारा 51 है, सी हमारा 37 है और डी हमारा 26 है। तो प्राइम नंबर्स कैसे नंबर हो गया था, जो जिस नंबर का बस दो ही फैक्टर होता है, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 23 का भी कोई फैक्टर नहीं, 23 का दो ही फैक्टर, या फिर वन है या फिर 23 खुद है। 51 का फैक्टर कौन सा है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 17 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 17 हो सकता है और 51 खुद हो सकता है। इसके चार फैक्टर्स है इसलिए प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। 37 के भी दो ही फैक्टर है, या तो 1 या फिर 37 खुद। ये भी नंबर हमारा प्राइम है, 37 और 23 हमारा प्राइम नंबर है। 36 से कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 1, 2, 13 और 26, इसलिए ये नंबर हमारा प्राइम नहीं है, 26 प्राइम नहीं है। तो दो ही नंबर हमारा प्राइम है, 23 एंड 37। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100, सेवन कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर लेस देन 100 एंड नो प्राइम बिटवीन देम। सेवन कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर बताना है 100 से पहले और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम 90 से लेके पहले 100 तक लिख लेंगे। तो हमारा पहले 90, 91, 92,
क्योंकि 89 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए 90 से लेकर के 100 तक लिखेंगे, उसका जो जो कम प्राइम नंबर होगा उसको हटा देंगे। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? तो 97 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, इसलिए 97 के बाद वाले को हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे 7 तक में कोई प्राइम नंबर आने नहीं चाहिए। तो ये हमारा कितना कंपोजिट नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए हमारा 100 से पहले 7 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कौन सा है? 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग अ सम ऑफ टू ऑड प्राइम। एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स अ सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स, नंबर्स अ sum of three odd primes, इनमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उनमें उन्हें odd primes के odd primes में बांटना है। तो हमारा नंबर ये है 21, उसके बाद बी है 31, सी है हमारा 53 और डी है हमारा 61। तो हम 21 को बांटेंगे 3 प्लस 7 प्लस 11 बटेंगे, तो इनमें इन तीनों नंबर में बटेगा और तीनों प्राइम नंबर है। और 31 को बांटेंगे 7 प्लस 13 प्लस 11 7 प्लस 13 प्लस 11 7 प्लस 11 प्लस 13। उसके बाद 53 को बांटेंगे 17 प्लस 13 प्लस 11 17 सॉरी प्लस 13 प्लस 17 प्लस 23 तीनों प्राइम नंबर है। और 61 को बांटेंगे 19 प्लस 29 प्लस 13। तो इन तीनों नंबर को प्राइम नंबर में बांटा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 एंड सम 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5 pair of prime number numbers less than 20 then 20 sum divisible well by 5। तो 20 से नीचे के हम पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 20 के नीचे प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो हमें 5 नंबर लेने हैं, तो 7 और 3 मिलकर 10 हो गया जो कि 5 से कट सकता है, 10 हो गया जो कि 5 से कट सकता है। 13 और 2 मिलकर 15 हो गया जो 5 से कट सकता है, और 5 बच गया, तो टोटल हमारा कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 13 1, 2, 3, 4, 5 पांच नंबर हो गया। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 10 17 प्लस 13 20 10 प्लस 20 30, इसलिए और 30
इज डिविजिबल बाय फाइव बाय फाइव, और 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6। इसलिए 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स 20 से कम जिस जो 5 से डिवाइड हो जाए वो है 2, 3, 5, 7 और 13। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को भरना है। नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, नंबर जिसके पास बस दो फैक्टर है उस नंबर को क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर जिसके पास बस दो फैक्टर है या तो वन वो बाकी दूसरा वो खुद, तो ऐसे नंबर को प्राइम बोलेंगे, प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर बी है, नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, नंबर जिसके पास एक से अधिक फैक्टर होंगे उस नंबर को क्या बोलेंगे? उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा क्या है? वन इज नाइदर डैश एंड डैश, वन इज नाइदर डैश एंड नॉर डैश, वन क्या 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 नहीं है, नाइदर डैश नॉर डैश, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि वन के पास दो फैक्टर भी नहीं है, वन के पास बस एक ही फैक्टर है। डी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सॉरी 4 है, क्योंकि 2, 3 प्राइम नंबर है और 1 ना ही प्राइम है, नॉट कंपोजिट है। यप, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, इवन नंबर इज, इसमें सबसे छोटा इवन नंबर कौन है? सबसे छोटा इवन नंबर भी हमारा 2 है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 को डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारे आगे वाले वीडियोस देखने के लिए एनसीईआरटी से जुड़े रहें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और इसे अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी सेहत मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।